हेलो दोस्तों, मैं नाम पंकज श्रीवास्तव है। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि हमें प्रोवाइड करती है एक फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। आपने बहुत सारे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज तक की खोजी गई सबसे फास्टेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम कहते हैं लाईफाई। Li-Fi basically एक चीज है VLC system, that means की visual light communication system। It is designed by Dr. Professor Harris Hyatt, जो कि जाने माने प्रोफेसर थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 2012 में, सबसे पहले प्रयोग किया था LED बल्ब का, जिसमें उन्होंने LED बल्ब को एज ए राउटर यूज करने की बात करी थी। आप उसके बाद इस पर बहुत सारे प्रयोग जारी रहे, बहुत सारे प्रयोग करते रहे। लास्ट में 2015 में इस पर सबसे अच्छी सफलता और सबसे कॉमर्शियल पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें इसका टेस्टिंग और स्पीड लगभग लगभग 100 Gbps पर सेकंड की स्पीड हम टेस्ट कर चुके हैं। ये टेस्ट हुआ था UAE टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के DU सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जिसने इसको टेस्ट करके ये बताया कि हम इंटरनेट की स्पीड लगभग लगभग 100 Gbps यूज़ कर सकते हैं अगर हम यूज़ करते हैं लाईफाई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा लाईफाई की जो प्रोजेक्टेड स्पीड है ये लगभग लगभग 224 Gbps तक मानी जाती है प्रोफेसर हैरल्ड हैस के द्वारा, कि अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं तो हम अपनी जो स्पीड है वो जनरल वाईफाई के सिग्नल में कई गुना ज़्यादा। वाईफाई की अगर हम बात करते हैं तो वाईफाई एक वायरलेस मीडियम है, बट उसमें जो हमें टेक्निक मिलती है, उससे जो हमें सिग्नल मिलते हैं, उससे जो हमें स्पीड मिलती है, वो लाईफाई के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इसके अलावा लाईफाई की बहुत अच्छी बात है कि लाईफाई जो बल्ब यूज़ करता है ये LED बल्ब को यूज़ करता है जो जनरल घरों में पाया जाता है। LED बल्ब जो जनरल घर में पाया जाता है, इसकी खूबी ये होती है कि इट कैन फ्लक्चुएट विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमारी आंखों के सामने ही ये विजिबल होगा, हमारे आंखों के सामने ही ये फ्लक्चुएट करेगा, हमारे आंखों के सामने ही इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा, बट हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पाती हैं। दैट्स व्हाई हैरल्ड हैश ने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें लाईफाई की लाइट के जरिए हम इस सिग्नल को आगे बढ़ा पाते हैं। लाईफाई की जो एक सबसे बढ़िया अच्छी बात है, दैट इज इट यूज जीरो रेडिएशन सिस्टम। दैट मीन्स कि इससे किसी भी तरह की ह्यूमन बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अदरवाइज हम किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन रेडियो सिग्नल और वाईफाई सिग्नल या वायरलेस सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल। ये सारे के सारे सिग्नल कहीं ना कहीं हमें हार्म पहुँचाते हैं, हमारे आसपास एक रेडिएशन क्रिएट करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा हम बात करें लाईफाई की टेक्नोलॉजी के जरिए हम एरोप्लेन में भी चाहें तो आराम से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके जरिए हम पानी के अंदर भी आराम से बढ़िया सिग्नल पा सकते हैं, बढ़िया डेटा ट्रांसफर रेट पा सकते हैं। इस अगर हम वाईफाई के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो वाईफाई की करंट स्पीड जो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, जो टेस्टेड स्पीड है, वो तकरीबन 8 Gbps है। बल्कि उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लाईफाई की बात करें तो लाईफाई लगभग लगभग 100-120 तक टेस्ट हो चुकी है, जो प्रोजेक्टेड है कि इन फ्यूचर आपको लगभग 200-250 स्पीड तक आपको मिलेगी। लाईफाई की रेंज थोड़ी कम होती है बिकॉज LED बल्ब है वो कमरे में ही रहेगा, कमरे में जितनी लाइट है, जितनी दूर उसकी रोशनी पहुंच सकती है उतनी दूर हम उस सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि दीवार के उस पार की अगर हम बात करते हैं, कमरा छोटा हो या बड़ा, लेकिन दीवार के उस पार हम लाईफाई सिग्नल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लाईफाई सिग्नल बेसिकली एक फोटो डिटेक्टर यूज़ करता है जो लाईफाई लाइट LED की फ्लक्चुएशन को नोट करता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसलेट करता है, स्ट्रीम बिट में कन्वर्ट करता है।